ऑल राइट भाई, सो हमारा एक अमेज़ॉन का पार्सल आया है, अंदर दिखा देता हूँ। मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा खोल के रखा है। सो दैट इज़ द बॉक्स दैट्स कम, क्वाइट नीट आई वुड से। इट इज़ वन ऑफ द पार्ट्स आई नीडेड फॉर द 10R, क्योंकि वो पार्ट ख़राब हो गया, सॉफ्ट हो गया था। सो लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड। यहाँ पे यू गेट द ब्रेक होज, मैं शायद यूज़ करूँगा नहीं करूँगा, आई डोंट नो, लेट्स सी अगर नीडेड है तो। एंड अंदर यू गॉट अ फ्यू माउंट्स, ब्रैकेट्स, बोल्ट्स, नट बोल्ट्स, ये भी सही है, काफ़ी वेरी नाइस। व्हाट्स व्हाट्स नेक्स्ट, एंड हियर इज द मेन प्रोडक्ट दैट वी नीडेड। इसको खोल देते एंड आई शो इट यू। दिस इज़ ब्यूटिफुल। इट इज़ द ब्रेम्बो का फ्लूड रिजर्वायर। एंड आई वॉजन्ट श्योर कैसा दिखेगा, बट इन पर्सन इट लुक्स फैबुलस। आई थिंक आई विल बी लाइक सुपर एक्साइटेड टू एड दिस ऑन द 10R। मेरा जो था स्टॉक वाला, विच इज़ वाइट, आई शो यू आउटसाइड, वो सॉफ्ट हो गया था। एंड उसमें अगर आप नाखून भी मारो तो वो थोड़ा प्लास्टिक इतना सॉफ्ट हो गया था कि टूट सकता है। सो आई डिडंट वांट द फ्लूइड लीकिंग आउट एंड ऑल ऑफ दैट, बट दिस वन सीम्स प्रिटी नीट। क्वालिटी सीम्स प्रिटी फर्म, मजबूत, एंड यू गॉट द ब्रेम्बो का लोगो ऑन टॉप। सो या ऑल इन ऑल प्रिटी डिसेंट। फटफट बाहर जाते हैं एंड वील ट्राई टू गेट दिस ऑन द बाइक एसैप। ऑलराइट, गुड मॉर्निंग फैम, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी आज के लिए एक टास्क है, 10R हमें जुबिन के पास लेके जानी है, जो कि BKC पे है फॉर अ लिटिल वर्क। दिखा देता हूँ क्या है। सो टू बिगिन विथ, अगर यहाँ पे देखो, दिस इज़ द ब्रेक फ्लूइड रिजर्वायर। एंड ओवर टाइम ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है, एंड अब अगर नाखून मारोगे तो इट कुड क्रैक। सो दिस इज़ वन थिंग दैट आई नीड टू चेंज, बिकॉज वी कान अफोर्ड द ब्रेक फ्लूइड टू लीक आउट। तो ये एक काम है। एंड दूसरा जो है इज़ यहाँ पे हम लोग जो क्लच ऑपरेट कर रहे हैं, हल्का सा कभी कभी आवाज़ आता है और कभी कभी अटकता है। सो क्लच केबल मंगा तो दिया है, बस अभी देखना है कि वो बिठा दे। एंड लेट्स सी इफ दिस वन वाज वॉर्न आउट एज वेल। ऑलराइट, गुड मॉर्निंग YouTube। सो जैसे कि मैंने बताया, दो तीन छोटे से काम बाकी है बाइक पे। सो दिस इज वन, दूसरा वाला जो है क्लच केबल का है। सो लेट्स सी, एक एक करके पटाते हैं ये काम। मेरे को, मैं मोबाइल होल्डर भी सोच रहा था लगाने के लिए, बिकॉज आई नीड द मैप्स इफ आई वॉन्ट टू डू लॉन्गर डिस्टेंसेज एंड अननोन रूट्स। बट लेट्स सी हाउ मच गेट्स डन। फिलहाल वी नीड टू हेड टू क्या कहते हैं, जुबिन डिज़ाइन। भाई यहाँ पे तो पूरा जाम है यार, बैंड्रा की गलियों में ये तो होना ही होना है। देख लो भाई, अब सुपर बाइक पालने के शौक है ना, तो ये सब से भी जूझना पड़ता है। ओए होए, ये तो फिर भी अपन लकी है कि दो पहिए पे है तो साइड से निकाले जा रहे हैं, क्योंकि नहीं तो आप सोचो ये गाड़ियों को निकलने को कितना टाइम लगेगा, खुद सोच लो एक बार। ऑलराइट, सो हमें अभी BKC जाना है। ट्रैफिक से थोड़ा थोड़ा निकल गए, जो ओरिजिनली जुबिन डिजाइन था उनका ही सेटअप है, इट्स कॉल्ड द शेड। एक तो मैं फिर से एक बार रात को सोया नहीं था, सो आप सोच ही सकते हो मेरी हालत। बट जैसे ही बाइक पे बैठते हो ना भाई, नींद खुल जाती है कसम से। मैंने जहाँ से ब्लॉग चालू किया वो एक्चुअल शुरुआत नहीं थी, छोटा सा पंक्चर भी हुआ था पीछे, तो वो भी बना के ही जा रहा हूँ मैं। भाई सो ऑलमोस्ट BKC पहुंच ही चुके हैं। कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, जू की नई दुकान, कहाँ हो तुम। गुड मॉर्निंग जू। ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, वी आर एट जूज, दैट स्पॉट बिहाइंड, वी गॉट टू हियर, से हाय। एंड वी विल गेट ऑन टू चेंजिंग द क्लच केबल फॉर द डे। आई लव द वाइब ऑफ दिस प्लेस, इट्स गॉट अ नाइस ओपन ग्लास, यू कैन सी द रिफ्लेक्शन ऑफ द 10R इन इट।
lot of bikes being worked on. There's a Ducati inside as well, but good job. So हम लोग को जो टेंशन हो रहा था वॉज वेदर द केबल वॉज लॉन्ग इनफ बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर उन लोग ने क्या भेजा था प्लास्टिक में. इट वॉजन लुकिंग टू लॉन्ग सो उसका थोड़ा टेंशन था, बट दिस वन फिट्स. वी चेक ऑनलाइन एज वेल, सो ऑल गुड. सो यहाँ से हम लोग ने क्लच केबल निकाल दिया है फ्रॉम डाउन बिलो. वी लूजन इट फ्रॉम दिस साइड एज वेल. यहाँ पर खाली इंजन केसिंग थोड़ा गर्म है इसलिए वे वेटिंग. Decided to clean up the wire instead of replacing it with the clutch other clutch cable. We'll keep that one as a spare and clean this one up and see if it makes any difference. So agar andar kachra bhi rahega, I will still feel a slight resistance. So ye jis hisab se kachra nikla hai, ye sirf cable mein se nikla hai. So you can only imagine how much resistance there was inside. So all that resistance that I was feeling on the clutch cable was because of probably the kachra. This is what we are adding now. This is the copper. Still not very thin. Look at that. That's a gorgeous RE build. So ये गली का view है where we work on the bike. Main road पे से देखो तो you'll find the side का board and you've got like one this as well. Alright fam, so we are at Juice today. But we are recording this vlog in two parts. वो दिन brake fluid reservoir का काम नहीं हुआ था, so we'll put that in today. Alright, so now we are heading to switch the master cylinder at not master cylinder, brake fluid reservoir at Juice. नीचे Brembo वाला रख दिया, the one that we just got. Figuring out how to mount it because वो जो mount होता है is a side mount, this one is a bottom mount. So we've got this one loosened up, ये brake fluid reservoir, but the only issue that we are facing is that the mounts are different. So ya to hame ek L shaped bracket banana padega ya fir we are figuring out some jugad, small little bracket, and the reservoir needs to clear the handle on turning as well. Not the handle but basically the visor while it turns. So let's see, we are doing some jugad. Temporarily installed a new reservoir. कुछ ऐसा दिखेगा मेरे ख्याल से. And in my opinion, it looks much more neater than that old one with the green cap. वो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं था. And it's got the nice Brembo logo on it and shit. So यहाँ पे हम लोग ने temporarily Brembo वाला install किया है. Now I think what we plan to do is make a C bracket from here, connecting downwards to the main connecting point. तो एक सी ब्रैकेट बन जाएगा तो ये यहीं पे बैठेगा. थोड़ा सा नज़दीक है बट वील फाइंड क्लियरेंसेस फॉर इट, आई एम प्रीटी श्योर. बट ओवरऑल कुछ ऐसा दिखेगा विथ द न्यू मास्टर सिलेंडर. पुराना वाला जो था वो ग्रीन टोपी के साथ, आई हेटेड दैट लुक. मतलब हर जगह ग्रीन 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 बहुत ज़्यादा हो रहा था. सो आई एम हैप्पी दैट दिस वन हैज़ अ नाइस डिसेंट ब्लैक कैप एंड इट्स अ ट्रांसपेरेंट ब्लैक रिजर्वायर एज वेल. फिलहाल कुछ 4 बज रहे हैं करते करते. सो ये ओरिजिनल ब्रैकेट है जो कावासाकी पे लग के आता है. थोड़ी सनलाइट मिले तो दिखा दो यार. सो ये ओरिजिनल ब्रैकेट है जो कावासाकी पे लग के आता है. दिस इज द वन दैट वी गॉट विथ द Brembo रिजर्वायर. बट ये वाला बैठेगा नहीं बिकॉज दोनों के एंगल्स थोड़े अलग है. सो वी आर राइट नाउ मोल्डिंग वन स्पेसिफिकली फॉर दिस रिजर्वायर. यहाँ पे थोड़े नट बोल्ट्स भी आए थे, ऑल द क्लैंप्स, ट्यूब टाइटनिंग के लिए, ये दूसरे नट्स, वॉशर्स और ऑल. गॉट द रिजर्वायर टेम्पररीली फिटेड. वी हैव टॉप्ड अप द ऑयल एज वेल इनसाइड एंड दैट्स हाउ द कॉकपिट इज गोना लुक नाउ. Thank you, Zoo. Thank you, boys. Thank you. Thanks so much. See you. Bye-bye. All right, fam. We are done at the shed. We have fitted this. फिलहाल एक और ब्रैकेट बनाना बाकी है और थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा वो. सो वी डन द बेस्ट वी कुड एंड वी गॉट दिस माउंटेड अप. अभी खाली ये थोड़ा ध्यान रखना है कि लीक ना हो रहा हो नीचे से, क्योंकि वो ट्यूब ने वापस यू नो रीसेट की है एंड ऑल ऑफ दैट. बट Let's head straight home.
काम। सो अच्छे खासे दोनों काम हो गए। एंड कमेंट्स में ज़रूर बताना मुझे कि नया फ्लूइड रिजर्वायर कैसा लग रहा है। आई रियली लाइक हाउ नीट इट लुक्स ऑन द बाइक। वो ग्रीन थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था, बट ये वाला बहुत प्यारा लगता है। प्लस इट्स गॉट द ब्रेम्बो कैप ऑन इट, सो इट्स लाइक टू गुड, वेरी नाइस। आई आस्क्ड ज़ू ऑल्सो यू नो लाइक व्हाट ही थॉट ऑफ इट फॉर द प्राइस दैट आई गॉट इट एट, एंड ही वॉज शॉक्ड। ही वॉज लाइक ब्रो टू नाइस, इट इज़ टू गुड फॉर द प्राइस यू गॉट इट। कितना नीट लगता है अभी हैंडल बार सेटअप एंड एवरीथिंग, आई क्वाइट लाइक इट। ज़रूर कमेंट्स में बताना भाइयों कि ये चेंज आपको कैसा लगा हो। थोड़ा वो जो ग्रीन था, एटलीस्ट दैट्स लेसन्ड आउट नाउ। प्यारा सा सूरज डूबता हुआ, इट्स गोना सेटल डाउन इन अ वाइल। क्या प्यारी शाम है, क्या प्यारी शाम है, वेरी नाइस वेरी नाइस। कमाल हो गया, कमाल हो गया, धोते फाड़ कर माल हो गया। चलो ये भी सही है, सारे लेन्स ब्लॉक कर दिए है उन्होंने। दिन में एक बार भी ऐसे चलाने मिल जाता है, मज़ा आ जाता है। और थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवाएं शुरू हो गई है, क्योंकि ओ हो गिरा, कोई गिरा। ऑलराइट मैम, छोटा सा ब्लॉग था, हालत आप देख ही रहे होंगे। फटाफट बाइक को कवर करते हैं, आई विल गो ऑन विद माय डे। बट इफ यू लाइक इट, यू नो व्हाट टू डू, लाइक कमेंट सब्सक्राइब and definitely go check out the thanks button and the memberships option. Stick around, stay blessed, keep putting in the work. I will catch you guys in the next one.